बालाघाट। भोपाल में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मकबूल दयावान ने अपना जन्मदिन अनूठे तरीके से मनाया। जहां जन्मदिन पर अक्सर लोग अच्छे आलीशान होटलों व प्रतिष्ठानों में केक काटकर मनाते हैं, वहीं मकबूल ने कोरोना काल में भुखमरी के संकट से गुजर रहे बालाघाट तहसील बिरसा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम नया टोला चिकली बैगा गाँव में हर साल की तरह इस साल भी वंचित तबके के बीच पहुंचकर गरीबों में नए कपड़े बांटकर व मिठाई खिलाकर अपना जन्मदिन मनाया। मकबूल दयावान ने कहा कि मैंने गरीब बैगा गांव में जन्मदिन नहीं मनाया, बल्कि गरीबों के बीच पहुंचकर मुझे जो एहसास हुआ, जिससे लगा कि ये मेरे लिए गरीब बस्ती नहीं ईश्वरीय है, जहां मुझे आत्मीयता की बरसात मिली जो किसी स्वर्ग से बढ़कर है, और हृदय से लगाकर दुआएं मिली जो मेरे लिए अमूल्य निधि से कम नहीं। फिर इस ईश्वरीय बस्ती के चरणों में कौन अपना जन्मदिन नहीं मनाएगा। वहीं मकबूल ने कहा कि गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने से इंसानियत की मिसाल कायम होती है। युवाओं को इस बारे में सोचकर इंसानों के लिए काम करना चाहिए। बताते चलें कि कोरोना काल में बैगा परिवार के वंचित समुदाय के बीच भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा कि असहाय व गरीब बच्चों संग अपनी खुशी के पल साझा करने के दौरान इन बच्चों के चेहरों पर काफ़ी खुशी देखने को मिली। बच्चे ईश्वर का रूप माने जाते हैं, जिनकी मुस्कान से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। लोगों ने मकबूल दयावान की लंबी आयु की कामना की। मेरा नाम मकबूल दयावान, मैं भोपाल से, और मैं हर साल की तरह इस साल भी मैं बालाघाट तहसील बिरसा नक्सलाइट क्षेत्र में लगातार दो साल से तो मैं कंटिन्यू यहाँ पर अपना जन्मदिन और हर त्यौहार मनाने आता हूँ। इस साल भी मैंने दीपावली के उपलक्ष्य पर और मैंने अपना जन्मदिन मनाया, और यहाँ पर तिरसा से नया टोला चिकली ग्राम जैसे 15-20 किलोमीटर यहाँ पर बॉर्डर लगती है साले टेक्निक छत्तीसगढ़ की, मैं उस क्षेत्र में हूँ, पूरा ये क्षेत्र नक्सलाइट क्षेत्र में, और मैं हर साल मैं इस तरीके से मैं यहाँ पर गरीब बच्चों के साथ अपना खुशी मनाने आता हूँ। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, आप लोग भी कभी गरीब क्षेत्र में जाके गरीब बच्चों के साथ खुशी मनाएं और अपना जन्मदिन का केक काटें। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon.